हाँ फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं मालूम है? अच्छा, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? तो आपके पास एक ही आंसर होगा ना भाई कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सिंपली कि स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना? 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो राइट, ओके। तो ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस और माइनस 2 आ जाएगा, राइट ना? बच्चों, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट का यूज यहाँ पे भी करना है, बट यहाँ पे सिर्फ थोड़ा मेथड चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बच्चों, सारी प्रोसेस करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा ना, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिए। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे डायरेक्टली हम। चलो, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है? बच्चों, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने की फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए? तो आपका कॉन्सेंट्रेशन वाई पे होना चाहिए। कोई भी स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले वाई देखो बस। तो वाई की वैल्यू आपको देखनी है कि वाई की वैल्यू क्या है भाई। तो वाई की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है या तो वाई की वैल्यू लेस देन जीरो हो सकती है। आपका सबसे पहला कंसंट्रेशन यहीं पर आना चाहिए, वाई ग्रेटर देन जीरो या वाई लेस देन जीरो, राइट? तो मेरा फर्स्ट स्टेज यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेज मुझे क्या करना है? तो दूसरा स्टेज मुझे करना है मॉड्यूलस जेड फाइंड करना। अब मॉड्यूलस जेड मैंने फाइंड कर लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर? ये हमारा दूसरा स्टेज आ गया, मॉड्यूलस जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। अब बच्चों, हमारा कॉन्सेंट्रेशन वाई पे है। अब वाई ग्रेटर देन जीरो या वाई लेस देन जीरो? अगर बेटा वाई ग्रेटर देन जीरो है तो हमारी फॉर्मूला क्या आने वाली है? बहुत सिंपल है। तो ऐसे लिख दो, कुछ नहीं करना है आपको। फर्स्ट ए स्टेज क्लियर किया, बाद में ये किया, और अब फॉर्मूला प्लस और माइनस इन ब्रैकेट अंडर रूट मॉड्यूलस जेड प्लस एक्स बाई टू प्लस मॉड्यूलस जेड प्लस एक्स बाई टू प्लस आई अंडर रूट मॉड्यूलस जेड माइनस एक्स बाई टू। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड अ स्क्वायर रूट। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड अ स्क्वायर रूट व्हेन वाई ग्रेटर देन जीरो। इफ वाई लेस देन जीरो देन व्हाट चेंज? सिंपल, प्लस और माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट मॉड्यूलस जेड प्लस एक्स बाय टू। लिटल चेंज इज हियर प्लस आई देन हियर माइनस आई अंडर रूट मॉड्यूलस जेड माइनस एक्स माइनस एक्स एन बाय टू। सो इट इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की या स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, राइट? चलो हम थोड़े क्वेश्चन लेते हैं तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है बेटा, ये जो है ना उसको पहले कंपेयर करो। नाउ कंपेयर विथ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, फर्स्ट स्टेप बेटा। कंपेयर विथ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इट इज वेरी क्लियर ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, टेल मी। हेलो, एक्स इक्वल टू 7 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 24, राइट? ओके, व्हाट अबाउट वाई? इट इज वेरी क्लियर, लेस देन 0। y equal to minus 24 is less than 0. Now, next. After that, which step we have follow? Simple, modulus z equal to under root x square plus y square equal to under root 49 plus 576. Hai na, bhai? Iska square root kya aane wala hai? 625
दैट इज 5 मीन्स 25, यस और नो? तो स्क्वायर रूट हो गया भाई 25, समझ में आ रहा है ना? ओके अब बेटा x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया, मॉडुलस z हो गया, मुझे क्या फाइंड करना है भाई? तो मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ओके अप्लाई द फॉर्मूला, बट हियर इज y लेस देन 0. सो यहाँ पे आपको लिखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू माइनस 20 सॉरी z इक्वल टू 7 माइनस 24i इज प्लस और माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट मॉड्यूलस z प्लस x बाय 2 माइनस i. इट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज द इंपॉर्टेंट माइनस i अंडर रूट मॉड्यूलस z माइनस x बाय 2 क्लियर इक्वल टू प्लस और माइनस इन ब्रैकेट अंडर रूट व्हाट्स द रियल मॉड्यूलस z 25 प्लस x सो प्लस 7 बाय 2 माइनस i अंडर रूट 25 माइनस 7 बाय 2. ऑल ऑफ यू एग्री? यस. अब बच्चों 25 प्लस 7 क्या होता है? 32 एंड 32 बाय 2 16 और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. तो प्लस और माइनस यहां पे 4 लिख दो माइनस i. 15 माइनस 7 क्या होता है? 18. 18 बाय 2 क्या होता है? 9. अब 9 का स्क्वायर क्या होता है? 3. तो 3 लिख दो. तो प्लस और माइनस 4 माइनस 3i ये आपका स्क्वायर रूट हो गया. तो स्क्वायर रूट का कॉम्प्लेक्स सम कितना इजी है यार, है ना? तो ऐसे आप कोई भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो बेटा. तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई, सिंपल कोई भी क्वेश्चन है, हमें क्या फर्क पड़ता है यार? ओके सी z इक्वल टू मैंने i ले लिया भाई, ओके ना? चलो यहां में मुझे कंपेरिजन किसके साथ करना है? सिंपल कंपेरिजन करना है 0 प्लस i, राइट? 0 प्लस i का कंपेरिजन करना है x प्लस आई वाई के साथ. क्लियर हो गया? चलिए भाई अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपल 0 है ना. सो हियर x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 डन. चलो देन आपने मुझे क्या करना है भाई? मेरा फर्स्ट स्टेप क्या आने वाला है? तो फर्स्ट स्टेप आने वाला है, याद कर लो, मॉड्यूलस z. तो मॉड्यूलस z इक्वल टू यहां पे हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. डन. अब x का वैल्यू तो 0 है ना, y का वैल्यू 1 है, तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 आ गया. अब बच्चों यहाँ पे मॉड्यूलस z इक्वल टू 1 हो गया. भाई मुझे तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है. भाई स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मेरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? कहाँ पे होना चाहिए याद करो. तो मेरा फोकस होना चाहिए y पे. अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है? सिंपल. तो y का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है यार. क्लियर? अब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गए. चलो अब y के ग्रेटर देन 0 है, मॉड्यूलस आ गया, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ i क्या हो जाएगा यार? तो स्क्वायर रूट ऑफ i इज इक्वल टू प्लस और माइनस इन ब्रैकेट z प्लस x बाय 2 प्लस i अंडर रूट मॉड्यूलस z माइनस x बाय 2. सही है? अब बेटा जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे. चलो तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस अंडर रूट. जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो 1 लिख दो ना भाई, है ना? अब एक्स का वैल्यू क्या है? तो एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या है? 0. तो यहाँ पे 1 प्लस 0 बाई 2 हो जाएगा. सही है? प्लस आई एज इट इज, सो प्लस आई. फिर से मॉड्यूलस जेड की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 एंड बाई 2. तो इज इक्वल टू प्लस और माइनस
अंडर रूट वन बाई टू प्लस आई वन बाई टू आ जाएगा, है ना। अब वन अपॉन रूट को कॉमन निकाल लो, अब वन अपॉन रूट टू को कॉमन निकाल लो बेटा, तो यहां पे आ जाएगा प्लस और माइनस वन अपॉन रूट टू इन ब्रैकेट वन प्लस आई, प्लस और माइनस वन अपॉन रूट टू इन ब्रैकेट वन प्लस आई। तो ये जो है ये आपका आंसर आ गया।